तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AK ब्लॉग 97, जिसमें आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं पॉकेट एफएम स्टोरी का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं खुद एक पॉकेट एफएम स्टोरी का चैनल चलाता हूँ, जिसमें मेरे 1K प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैं पॉकेट एफएम स्टोरी ही डालता हूँ और अदर वीडियोस भी मिक्स कभी कभी कर देता हूँ, ताकि मुझे आगे मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं अभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें रियूज्ड कंटेंट आ जाएगा, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, जिससे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता हूँ। इससे आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं कि अगर आप के चैनल पर 1K सब्सक्राइबर या 10K सब्सक्राइबर या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आपकी एक यूट्यूब पर पहचान हो जाएगी, जिससे आप अपने यूट्यूब को किसी भी वीडियो को डालकर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मैं बता दूँ क्लियर तरीके से कि आपका अगर पॉकेट एफएम स्टोरी आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल रियूज्ड कॉन्टेंट देगा, ठीक है, मोनेटाइज नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये यूट्यूब चैनल देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं आपको बॉच टाइम दिखाता हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स भी साथ में दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें देखिए 1K प्लस सब्सक्राइबर है, और बॉच टाइम देखिए कितना हो गया है। तो ये मेरा बॉच टाइम हो गया है, तो ये मेरा वॉच टाइम, अगर मैं अभी इसे मोनेटाइज अप्लाई करूँगा इसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए, तो मेरा रियूज्ड कंटेंट आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रियूज्ड कंटेंट आ जाएगा और जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी अपने चैनल को रोक कर रखा हूँ और इस पर मिक्स वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। तो जैसे ही मेरी जो मिक्स वीडियोज़ होंगी, जो चीज़ मैं दूसरी वीडियोस इस पर अपलोड करता हूँ मिक्स, तो वो मेरी वीडियोस का वॉच टाइम 4K आवर हो जाएगा, तो मैं अपना चैनल मोनेटाइज कर लूँगा, जिससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तब तक और ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, और मैं जब मेरी मिक्स वीडियो जो मैं डालता हूँ, ये जैसे मैंने एक वीडियो डाली है कि आप अपनी पॉकेट एफएम स्टोरी को कैसे अपलोड कर सकते हैं, कि आप बिना विदाउट कॉपीराइट कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ मैंने वीडियो डाली है कि आप अपनी फ़नी वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो फ़नी वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो भी मेरी वीडियोस चैनल पर अपलोड की हुई है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बताया कि आप अगर पॉकेट एफएम स्टोरी एक क्रिएटर हैं, ठीक है, अगर आप पॉकेट एफएम स्टोरी को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो घबराइए मत, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी एक पहचान बन जाएगी YouTube पर, जिससे आपके सब्सक्राइबर से आप पहचान YouTube पर केवल आपके सब्सक्राइबर से ही होती है। तो आप अगर आप अपनी वीडियो सारी उनको डिलीट भी कर देंगे, तो आपके सब्सक्राइबर्स आपके पास ही YT स्टूडियो में ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, इससे पहले, इस चैनल से पहले मैंने एक और चैनल बनाया था पॉकेट एफएम स्टोरी का ही, तो वो मैंने उस समय मुझे पता नहीं था, तो मैंने उस चैनल को उसमें मेरा वॉच टाइम भी हो गया था लगभग 70,000 के करीब, तो और उसमें मेरा सब्सक्राइबर भी कम से कम 1700 के करीब हो गया था। तो मैंने उसे अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, तो मेरा अप्लाई नहीं हुआ। फिर मैंने कहा शायद इस बार नहीं हुआ है, तो अगली बार हो जाएगा। तो मैंने कुछ दिन उस पर वीडियो डाली, तो एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद वो मुझे पता नहीं चला कि कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। उस वीडियो को डिलीट करने के बाद जो भी मैं उस पर वीडियो अपलोड करता गया, और मुझे उस समय पता नहीं था कि जब कॉपीराइट आता है, तो 90 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, और 90 दिनों के बाद ही आपका स्ट्राइक आपके चैनल से मतलब YouTube खुद हटा देगा। तो वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ था, और उसे मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरा YouTube चैनल
यूट्यूब चैनल भी मेरा डिलीट हो गया और मेरी आईडी भी ब्लॉक हो गई। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपके चैनल पर एक स्ट्राइक, अगर एक भी स्ट्राइक आई हुई है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई मत करना। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अपने चैनल को उस समय मोनेटाइजेशन पर डाला तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। आपके चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो, कितना भी घंटे वॉच टाइम हो, सारा आपका डिलीट हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए अपना चैनल अप्लाई नहीं करना है उस समय। और आखिरी बार मैं आपको ये बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर पॉकेट FM स्टोरी को अपलोड करते हैं और अगर अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो आपको मिक्स कंटेंट डालना ज़रूरी है, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको उन वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा जिससे आपका चैनल मोनेटाइज होने से रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, उन सारे यूट्यूबर्स ने शुरू में मिक्स कंटेंट ही डाला था, जिससे उनकी पहचान, मतलब सब्सक्राइबर्स उनके बढ़ते गए और उनकी पहचान बन गई। तो उन्होंने अब केवल एक ही कंटेंट पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया उन्होंने और उनकी सारी वीडियोस अब वायरल हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आखिरी बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका अगर पॉकेट FM का चैनल है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, उसका रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा। इसलिए अगर आप अपना पॉकेट FM अगर आप अपना पॉकेट FM चैनल बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन उससे आपको एक फ़ायदा है कि आपका जो चैनल होगा उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और आपकी पहचान केवल आपके सब्सक्राइबर से ही होती है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।